जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराएं। दीप, देखिए हो क्या रहा है, पिछले 4-5 दिनों से हम लगातार यही बात कर रहे हैं कि आप सावधान रहिए। अब एक सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो ये है कि जो कुछ भी अब नए मरीज आ रहे हैं, प्रभावित लोग जो नए दिख रहे हैं वो चीन के बाहर दिख रहे हैं। अब जो प्रभावित होने वाले की तादाद है वो चीन से काफी, चीन में कम हो रही है, चीन के बाहर ज्यादा हो रही है। और आप एक चीज समझिए, चीन को इसे काबू में करने में कितना वक्त लगा? मैं ये तो नहीं कह रहा काबू में हो गया, लेकिन चीन में जो बढ़ने की रफ्तार कम हुई हो, अब जाकर कम होती हुई दिख रही है। अभी भी बढ़ रहे हैं लेकिन रफ्तार अब जो कमी, करीबन अब 1.5 से 2 महीना मान लीजिए, 1.5 से 2 महीना अगर चीन को लगा है, और ये अगर समस्या मिडिल ईस्ट के देशों में फैल रही है, ये समस्या अब यूरोप में फैल रही है, अमेरिका इसके लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है, तो फिर दिक्कत बढ़ सकती है। अगर सिर्फ चीन में मरीज हैं, उनके लिए दवाओं की जरूरत है, वो भी बड़ी मुश्किल से हो रही है, तो फर्ज करें यूरोप, अमेरिका, दूसरे देशों में अगर ये फैलता है तो कहां से इसे काबू में लाया जा पाएगा? ये बड़ी समस्या है जी। दूसरी चीज देखिए, शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत चीन और रशिया के बॉर्डर से हुई, वुहान से। वहां से ये फैला ईरान की तरफ, ईरान से अफगानिस्तान। कल 2 नए केस, पहले केस पाकिस्तान में आए। और हम बहुत ज्यादा दूर नहीं है, चीन से हमारी बॉर्डर काफी लगी हुई है, वो अच्छी बात है कि कम से कम उधर से कुछ हो नहीं रहा, लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक जो हमारे नजदीकी देश है उधर फैलता हुआ दिख रहा है। मैं एक चीज और यहां पर कहना चाहता हूं कि हम सबको भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए एकदम, कि जो लोग खासतौर से ट्रैवल कर रहे हैं, जो बाहर से आ रहे हैं या हिंदुस्तान से बाहर जा रहे हैं, उन्हें थोड़ा सावधानी रखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से ये फैल रहा है चिंता की बात है। जर्मनी की तरफ से आप देखिए, उन्होंने वार्निंग दे दी एक तरह से कि किसी भी तरह की महामारी वाला खतरा हो सकता है एकदम। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत ये कि इसका असर जो आप देखेंगे ना, वो पूरी दुनिया भर की इकोनॉमी पर पड़ेगा। आज हर आदमी अपना ट्रेवल प्लान कैंसिल कर रहा है, बिजनेस हो या लीजर ट्रिप, किसी को जब तक बहुत जरूरी हो जाना नहीं है जी, राइट, क्योंकि डर है। ऐसे में काम काज पर असर पड़ेगा, ऐसे में बिजनेस पर असर पड़ेगा, दुनिया भर की इकोनॉमी पहले से ही मुश्किल में है, ऐसे में और स्लो डाउन आता है तो दिक्कत की बात है। पॉइंट मालूम है क्या है, हम अगर ये 2 महीना चल गया, 1.5 महीना चल गया, 1 महीना चल गया दुनिया भर में, तो हमें ना 1-2 साल पीछे हो जाएंगे एकदम। ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप 2-1.5 साल पीछे चले जाएंगे ग्रोथ में, वापस वहां से शुरू करो, और ये मुझे सबसे बड़ी डर वाली बात लगती है। ग्रोथ पे तो वार्निंग जब आई नहीं, मूडीज भी एक वार्निंग अभी दी है, देंगे क्या करेंगे, देंगे। और मेरे लिए इस लिहाज से आज का सेशन मेक और ब्रेक वाला है, क्योंकि आज हम ना बजट के दिन के लोज के आसपास हैं जी। कल हमने होल्ड किया बैंक निफ्टी पर, हालांकि हम उन लोज से काफी ऊपर हैं, निफ्टी पर हमने कल वो लगभग उन लोज के आसपास पहुंचे हैं। आज एक्सपायरी का दिन भी है, अगर हम उन लोज के नीचे जाकर ट्रेड करना शुरू करते, कल एक बार की निफ्टी ने 200 दिनों के मूविंग एवरेज को भी तोड़ा, हालांकि हम बंद होते होते लगभग उसी के आसपास बंद हुए। तो दीप, अगर एक बार पहली बार जब आप तोड़ते ना, तो आप ये मानते कि चलो ऐसे ही तुक्के में निकल गया होगा, वापस तो ऊपर आ गए। दूसरी बार या तीसरी बार आप नॉक करके तोड़ते हैं, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस होता है कि नए ब्रेकडाउन के लिए तैयार हो रहे हैं। देखिए, मैं डराने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सावधान कर रहा हूं। कल भी क्लोजिंग वाले शो में आपने देखा 2 बजे किस तरह से खबरें आई अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से, हमने सबसे पहले चलाई भी, समझाया भी कि देखिए बड़ी चीजें हो रही है। अब इसका मतलब ये नहीं कि पैनिक करना है, अब कोई हमारे बोलने से 400 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स थोड़ी गिर सकता है, ऐसी गलतफहमी हमें कभी नहीं थी न है, लेकिन आप देखिए हुआ क्या है। बात करते करते 400 पॉइंट डाउ फ्यूचर जो 50 पॉइंट ऊपर था हमारे सामने, हमारे आंखों के सामने, अगर हमारे में ताकत होती तो उतना सेंसेक्स निफ्टी गिर जाता भाई, डाउ गिर रहा है। तो सिंपल चीज है, जो खबरें हैं बतानी पड़ेगी, सही है गलत है, आप ये मत सोचिए कि हम पैनिक कर रहे हैं, हम खबर बता रहे हैं, और अगर कोई चीज गलत है तो बोलना पड़ेगा कि गलत है जी, उसमें हमारे पास चॉइस नहीं है। अगर अगर मैं आपको कहूंगा नहीं डरिए मत, और डाउ 500 गिर रहा है, 1000 गिर रहा है, 900 गिर रहा है, तो भी आप कहेंगे कि आप गलत बोल रहे हो, आप बोल रहे हो डरो मत डरो मत। अरे भाई, डरने की बात है तो डरेंगे, नहीं डरने की बात है तो नहीं डरेंगे जी, बिल्कुल डरने की बात है। डाउ देखिए 400 पॉइंट ऊपर होके कैसे गया है,
ऐसे 500-600 पॉइंट आओ ऐसे फिसल रहा है जैसे कोई, और मैंने अमेरिकी बाजारों को इतने गंदे तरीके से टूटते हुए नहीं देखा। तीन दिन में 2000 लगातार 5 दिन से नीचे। तो ये जो गिरावट है ना, ये डराने वाली है। मेरा पॉइंट सिंपल है, आप थोड़ी सावधानी रखिए, हड़बड़ी मत करिए, जल्दबाजी मत करिए। आज का सेशन तो आपको सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। पहली चीज, अपने गांठ बांध लीजिए, मुझे खरीदने की कोई जल्दबाजी नहीं। क्लियर है? पिछले हफ्ते भर से हम लगातार कह रहे हैं कि खरीदना नहीं है, खरीदना नहीं है। पहली चीज तो है ना, आप अगर ये कहेंगे मुझे खरीदना नहीं, तो आप है ना बैलेंस बनेंगे। अब आपकी अगर तेजी की पोजीशन है तो क्या करना है? तेजी की पोजीशन है, आप अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखो और डिसाइड करो कि मुझे इतने लॉस पे निकल जाना है। लेवल भी भूल जाइए, आपकी कैपेसिटी लॉस करने की कितनी है वो देखिए। अगर आज आपकी कैपेसिटी से ज्यादा लॉस हो रहा है ना, एक बार निकल जाओ, खत्म करो, कोई बात नहीं भाई। देखिए है ना, कैपेसिटी रहेगी तो आप फिर से ट्रेड कर पाएंगे। सही बात। किसी ट्रेड में इतना बड़ा लॉस कर जाए कि आपको मार्केट से बाहर होना पड़े तो फिर फायदा क्या? मार्केट में रहेंगे तो कमाएंगे, नहीं रहेंगे तो क्या है? दूसरी चीज, तीसरी चीज ये, जिनकी शॉर्ट से वो स्टॉप तो थोड़ा डीप रखें। ओके। क्योंकि वोलेटिलिटी होगी एक्सपायरी की वजह से, कल भी आपको मिली। चौथी चीज, बेचने के लिए लोअर लेवल्स पे ना इंतजार करें। कल परसों दोनों दिन बाजार ने हर बार मौका दिया आपको बेचने के लिए। कल 30,500 पे बिक रहा था जी, राइट, मौका दे रहा है मार्केट, आप उस मौके को बेचने के लिए छोड़िए मत। आप अगर है ना 30,100 पे बेचेंगे, 30,150-200 पे बेचेंगे तो परेशान होंगे, मैं शॉर्ट गलत जगह तो नहीं कर गया। 100-200 बैंक निफ्टी ऊपर होगा, स्टॉप लॉस कट जाएगा। बेचने के लिए इंतजार करिए। ओके। और डीप स्टॉप लॉस रखिए, आमतौर पर मैं कहता हूँ छोटा स्टॉप लॉस रखिए। आज मैं डीप स्टॉप लॉस इसलिए कह रहा हूँ, डीप की आज एक्सपायरी है, मौके आपको मार्केट देगा। तो आज आपको वोलेटाइल ट्रेड जो रहेगा उसके हिसाब से आपको अपनी पोजीशन बनानी। एक और चीज कि अपनी ट्रेडिंग क्वांटिटी कम कर ले, उसमें ठीक रहेगा। और जिनको एफएनओ में ट्रेड करना ही आज, उनके लिए सबसे खूबसूरत चीज है ऑप्शंस में ट्रेड करना आज, क्योंकि आज आखिरी दिन है, आपकी टाइम वैल्यू है नहीं। सही बात। तो आपको ऑप्शंस कंपैरेटिवली सस्ते मिलेंगे, ऐसे दूसरे एक्सपायरी से कंपेयर करेंगे तो महंगे ही होंगे वोलेटिलिटी की वजह से, लेकिन फिर भी आपको कंपैरेटिवली सस्ते मिलेंगे। तो सिंपल चीज देखिए, जितना आपको ऊपर चांस मिले खरीदने में फंसना नहीं है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास आए थोड़ी शॉर्ट कवर कर लीजिए, लॉन्ग करने से थोड़ा सा बचे। आज और कल दो दिन मुझे लगता है कि मेक और ब्रेक वाले हैं। आज एक्सपायरी का दिन नहीं होता तो मैं आपको डेफिनेटली कहता कि 11,600-11,625 पे सारे शॉर्ट काट लीजिए, सब कुछ लॉन्ग भी करिए, लेकिन एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा अंदाजा लगाना मुश्किल है। और एक और चीज, 3,500 करोड़ से ज्यादा की खरीद बिकवाली आज, कल 3,500 करोड़ की बिकवाली, 5,000-6,000 करोड़ के कैश में अगर एफआई स्टॉक बेचकर जा रहे हैं तो आपकी मेरी घरेलू फंड की कितनी ताकत है, और ताकत है भी तो हिम्मत कितनी है, और रोज दिन वो अमाउंट बढ़ रहा है। एग्जैक्टली, अमाउंट बढ़ रहा है। तो इसलिए है ना, ये चीजें थोड़ी सी है ना, अब ये अलग बात हो सकती है कि इस तरह के माहौल में जो इन्वेस्टर्स है उन्हें पैसे लगाने का मौका मिलता है, बिल्कुल सही भी है। अगर अच्छे स्टॉक मसलन TCS 5-7% नीचे आ जाए तो बिल्कुल लेना चाहिए, 2% गया 5% और चला जाए कभी कभी पैनिक की वजह से, तो अच्छे स्टॉक्स। लेकिन प्रॉब्लम यह है ना दीप, के अच्छे स्टॉक्स में करेक्शन कहाँ है, हुआ कहाँ है करेक्शन? नहीं है। जो करेक्शन हुआ है वो कमजोर शेयरों में हुआ, तो अच्छे शेयरों में करेक्शन होगा तो वहां खरीदारी करनी चाहिए। टॉप 10 दैट्स इट। यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ ₹20। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन